हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो ये अब स्टार्ट कर रही हूँ, ये है आपकी जीएस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ हैं। और जितने आपको क्वेश्चन दिखेंगे उससे डबल मैं डिटेल शेयर करती हूँ। और जो पिछली वीडियोज़ है मेरी जो जनरल स्टडीज़ की, उस अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और जिन्होंने देखी है उनको पता है। तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम है, ये हमारा जो अभी लोअर पीसीएस आने वाला है, उसको जूनियर असिस्टेंट आने वाला है यूपी का। उसके अलावा जो भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मैक्सिमम में जीएस आती है, सब में यूज़ होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1942 इन कौन सी कंट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो फॉर्म हुई थी 1942 में। तो मैं आपको बता दूं, मार्च 1942 में, ठीक है, राज बिहारी घोष ने, बोस ने जो मीटिंग ली थी, जापान में ली थी। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो 1942 में जो मार्च में राज बिहारी बोस, ठीक है, उन जो चेयरमैन थे, इसके चीफ थे इस लीग के, तो उन्होंने मीटिंग ली थी जापान में, ठीक है। तो टोक्यो भी आंसर में है, बट वो नहीं है, वो मीटिंग फेल हो गई थी, ठीक है, वो मीटिंग फेल हो गई थी। तो दोबारा जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में, ठीक है, और वो मीटिंग जो है वो पास हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, ठीक है, गलती से भी टोक्यो नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट, कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट कहते हैं। तो जो ब्लैक एक्ट है वो होता है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ये एक्ट है ये पास हुआ था 10th मार्च 1919 में, ठीक है, 10th मार्च 1919 में। और लगभग एक महीने बाद 10th अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था धर्मशाला में, उनको एक तरीके से सीक्रेटली रखा गया था। तो उसका अपोज करने के लिए लोग जो है जमा हुए थे कहाँ पर, अप्रैल 13 को जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। तो जहाँ जलियांवाला बाग की जो ट्रेजिडी थी वो हुई थी, ठीक है, तो वो इससे रिलेटेड था। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंद स्वराज वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, हिंद स्वराज जो है वो लिखी थी, जिसे हम कहते हैं इंडियन होम रूल भी कहते हैं, तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखी है सबसे पहले तो। और उसको किस लैंग्वेज में लिखा था, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजराती। गुजराती में उन्होंने लिखा था, 1909 में लिखा था, और 1910 में वो बैन हो गई थी इंडिया में, ब्रिटिश ने वो बैन कर दी थी गुजराती में, ठीक है, इसके लिए फिर गांधी जी ने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है बुक, तो ये बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ये उन्होंने लिखी थी जब वो इम्प्रिजनमेंट में थे, मतलब जेल में थे, 1942 से 46 के बीच में, अहमदनगर फोर्ट महाराष्ट्र में जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन था 1857 में, तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, आर डी मैंगल्स, ठीक है, आर डी मैंगल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे 1857 में। नेक्स्ट है, फर्स्ट फैक्ट्री जो है बंगाल में ब्रिटिश ने कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, बंगाल में कहाँ पर की थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हुगली। हुगली में इस्टेब्लिश की थी। और अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, तो इंडिया में की थी सूरत में, ठीक है, 1612 में सूरत में इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कौन सा सेशन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना है, पहले देखना है कि 1938 में पूछा गया है, तो 1938 में करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 1939 में री इलेक्ट हुए थे तो वो कौन से सेशन में हुए थे, 1939 में री इलेक्ट हुए थे वो त्रिपुरी सेशन में, ठीक है, और 1938 में हरिपुरा सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्ट्रगल जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इंडियन स्ट्रगल जो है वो ऑटोबायोग्राफी है आपका सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, और ये पब्लिश हुई थी 1948 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिश हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन थ्योरी. ड्रेन थ्योरी जो है वो किसने प्रोपाउंड की थी? तो ड्रेन थ्योरी दी थी आपका नेहरोजी ने, ठीक है, और दादा भाई नेहरोजी ने दी थी ड्रेन थ्योरी. और इसमें क्या होता है आपका कि तो दादा भाई नेहरू जी ने 1901 में स्पीचेस और राइटिंग्स बहुत सारी लिखी थी. कुछ राइटिंग्स हैं उनकी जैसे पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उनकी कुछ राइटिंग्स हैं. उन राइटिंग्स में और स्पीचेस में उन्होंने ड्रेन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ईयर, मतलब कौन से ईयर में लॉर्ड कर्जन ने जो है वो पार्टीशन किया था बंगाल का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 16th October 1905, ठीक है, 16th October 1905 को पार्टीशन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रियम्बल, तो कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फेडरलिज्म. फेडरलिज्म जो है वो प्रियम्बल का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब CAG जो है वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स टू यूनियन ऑफ द यूनियन टू, ठीक है, जो CAG है वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट जो होती हैं अकाउंट ऑफ द यूनियन की किसको? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर आपका सी प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो है वो सबमिट करते हैं. अब हम आते हैं कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल कौन है. तो इस वक्त कौन है CAG इंडिया का? वो है मिस्टर राजीव महर्षि, ठीक है, मिस्टर राजीव महर्षि ये 13th कंट्रोलर जनरल हैं, ठीक है, 13th हैं. और जो CAG की रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर्स, या फिर इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का. तो जॉब या तो 6 ईयर्स करनी है, और 65 ईयर अगर पहले हो जाती है एज तो उनको छोड़नी होती है. उसके अलावा जो आर्टिकल है जिसमें ये आता है CAG वो है आर्टिकल 148 से 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और अपॉइंट जो है CAG को करते हैं प्रेजिडेंट, और इनको रिमूव किया जाता है ओनली अगर जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के वो एड्रेस करें ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है, इन दो केसेस पे इनको रिमूव किया जाता है. और वो भी एड्रेस करने पे जब दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट के हैं लोकसभा राज्यसभा वो एड्रेस करते हैं तो, ठीक है. तो ये था CAG के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-tier पंचायती राज जो है वो कौन लाया था, किसकी कमेटी के थ्रू था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता. ये बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है. अब मैं आपको बताऊँ पंचायती राज कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है, 1992 में. और 3-tier जो इसके पंचायत वो है सिस्टम है, इसमें फर्स्ट होता है ग्राम पंचायत जिसे हम विलेज लेवल कहते हैं, दूसरा होता है मंडल परिषद या ब्लॉक समिति जिसे हम ब्लॉक लेवल कहते हैं, और थर्ड होता है जिला परिषद जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, ठीक है. अब को सारे स्टेट्स में पंचायती राज चलता है कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जो कि है नागालैंड मेघालय एंड मिजोरम. इन 3 स्टेट्स में पंचायती राज नहीं एक्सेप्टेबल है, और यूनियन टेरिटरीज में भी सब में है एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली में पंचायती राज नहीं है, और अभी जो नए आए हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होता है तो उसको किसको लिखना होता है कि मुझे रिज़ाइन करना है, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए वाइस प्रेसिडेंट को लिखना होता है, ठीक है. अब प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के जो पार हैं वो आती है आर्टिकल 53 में, ठीक है. और इनका ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किस किस को अपॉइंट करते हैं मैं बता दूँ. सबसे इंपॉर्टेंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं सबको वही अपॉइंट करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त कौन है, रंजन गोगोई हैं. और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एच जे कानिया, ठीक है, 1950 to 1951. उसके बाद CM ऑफ दिल्ली को वही अपॉइंट करते हैं, CAG को वही अपॉइंट करते हैं, मैं बता चुकी हूँ कौन है, राजीव महर्षि, ठीक है. उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वही करते हैं, इस वक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है. और जितने मेंबर्स होते हैं उनको भी, उसके अलावा UPSC चेयरमैन और उनके मेंबर्स को भी वही अपॉइंट करते हैं. तो UPSC के चेयरमैन है इस वक्त अरविंद सक्सेना. अटॉर्नी जनरल को भी वही करते हैं, अटॉर्नी जनरल इस वक्त हैं KK वेणुगोपाल. और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवाड़, ठीक है, ये 1950 से लेकर और 63 तक रहे थे अटॉर्नी जनरल. उसके अलावा IAS IPS IFS जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गजेटेड पोस्ट होते हैं क्लास ए, ये सब उन वही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अनअपोज्ड इलेक्शन इलेक्ट हुए थे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी. ठीक है, ये अपॉइंट हुए थे 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के डेथ के सडनली बाद, उनको मतलब प्रेजिडेंट बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी एंड परक्विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो सैलरी वगैरह जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन डिसाइड करता है, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं. तो एट प्रेजेंट जो है वो राज्यसभा में जितने मेंबर हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी 245. ठीक है, 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में एट प्रेजेंट. और मैं आपको बता दूं लोकसभा में मेंबर्स हैं 545 इस टाइम एट प्रेजेंट राज्यसभा में हैं और लोकसभा में हैं 545. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर बताना है लोकसभा का कौन था. तो करंट स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो हैं आपके ओम बिरला. ठीक है, इस वक्त बने हैं ओम बिरला और स्पीकर की मिनिमम एज होती है 25. ठीक है, और जो फर्स्ट स्पीकर थे इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है. फर्स्ट स्पीकर वैसे ऑप्शन नंबर ए पर इसकी स्पेलिंग गलत है, गणेश वासुदेवा मलवंकर नाम है इनका. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मलवंकर MALVANKAR. ठीक है, गणेश वासुदेव मलवंकर 1952 से लेके 56 तक. और इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें सेकंड जो थे वो थे अयंगर, अनंत सैनम अयंगर, और थर्ड जो थे वो थे हुकुम सिंह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो आर क्या होता है. तो जीरो आर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट है वो है बी, व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो हैं वो रेज होते हैं उसको कहते हैं जीरो आर. ठीक है, और ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था 9th लोकसभा स्पीकर जो रहे हैं राबी रे. ठीक है, राबी रे RABI राबी रे, उन्होंने प्रपोज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो सबमिट करती है रिपोर्ट को टू. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो सबमिट करती है रिपोर्ट को टू ठीक है, तो ये करते हैं टू स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, अब इसके जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के PAC के चेयरमैन जो है उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी. ठीक है, अधीर रंजन चौधरी इनका नाम है. और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चेयरमैन रहे हैं इस कमेटी के वो हैं मुरली मनोहर जोशी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट जो है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में किस दिन प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी. ठीक है, लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी को प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं ये बताने हैं. करेक्ट ऑप्शन इज 24. 24 जजेज हैं, 24 सॉरी नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स बताने हैं तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं 24. ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए मैं बता देती हूँ आपको, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट कौन थी, अन्ना चैंडी. ठीक है, फर्स्ट फीमेल जज और फर्स्ट फीमेल चीफ जज जो थी हाई कोर्ट की वो थी लैला सेठ. ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी ये लैला सेठ. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट एज पूछी हुई है हाई कोर्ट के जजेस की. तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट रेट होती एज होती है 62 इयर्स. ठीक है, हाई कोर्ट के 62 इयर्स होती है और सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 इयर्स. ठीक है, हाई कोर्ट के 62 है, सुप्रीम कोर्ट के 65 है. सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर, सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट में सेटअप हुआ था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में जो है एस्टैब्लिश हुआ था और ये बना था, मतलब 1774 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, उस एक्ट के अंडर में. और सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेज हैं एट प्रेजेंट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, हाई कोर्ट में कौन कौन होता है चीफ जस्टिस एंड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सच अदर जजेस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेजिडेंट. ठीक है, चीफ जस्टिस और जो प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं वो जजेस होते हैं उसके अलावा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंटरलैंड क्या होता है. तो हिंटरलैंड होता है ऑप्शन नंबर ए, द एरिया बिहाइंड द सी पोर्ट डेट सप्लाईज द बल्क टू द ऑफ द एक्सपोर्ट. ठीक है, एरिया बिहाइंड द सी पोर्ट, सी पोर्ट के पीछे जो एरिया होता है जो कि बल्क में एक्सपोर्ट के लिए काम आता है उसको बोलते हैं हिंटरलैंड.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल्टन रॉक जो होती है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मैग्मा, ठीक है, मैग्मा बोलते हैं मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सॉल्टी बेसिन पूछा है वर्ल्ड में, तो मोस्ट सॉल्टी बेसिन वर्ल्ड में होता है कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी इज द करेक्ट आंसर, और कैस्पियन जो है वो है यूरोप और एशिया के बीच में, उसके बाद जो है वो डेड सी है वो है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, और रेड सी जो है वो 6 कंट्रीज से बाउंड्री लगाती है जो कि हैं सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और डिजिबॉटी, ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं जिनसे रेड सी जो है वो ना बॉर्डर कनेक्ट करती है। अगर पूछा जाए इंडिया में मोस्ट सॉल्टी कौन सा है, तो वो है चिल्का लेक उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड पोल किसको बोलते हैं वर्ल्ड में, तो कोल्ड पोल जो बोला जाता है वो बोला जाता है ओयमयाकोन इन रशिया, ओयमयाकोन रशिया में जो है इसको बोला जाता है कोल्ड पोल, इसमें एवरेज टेम्परेचर जो होता है -50 डिग्री सेल्सियस होता है, और हाई जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -71.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शाफ्ट माइन क्या है, तो शाफ्ट माइन जो होती है वो होती है अ माइन डग डीप इंटू द अर्थ, ठीक है, अ माइन डग डीप इंटू द अर्थ उसको बोलते हैं शाफ्ट माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ ट्री कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो बहुत सिंपल है, एज ऑफ ट्री एस्टिमेट होता है जो उसकी स्टेम पे जो रिंग्स बनी होती है कंसेंट्रिक ट्रंक पे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स ट्रंक पे जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनी होती हैं उससे हमें उसकी एज पता चलती है। लॉन्गेस्ट रिवर बतानी है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको गलत नहीं करना है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है नाइल, अमेजन जो रिवर है वो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो नाइल है उसकी जो लेंथ है वो है 6,693 किलोमीटर, ठीक है, इसको लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है, और ये इजिप्ट और सूडान में मेन सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। उसके बाद अमेजन जो रिवर आती है उसकी लेंथ है 6,436 किलोमीटर, और ये कहाँ पे सदर्न अमेरिका में है, ठीक है, साउदर्न अमेरिका में। उसके बाद जो रिवर है आपकी दी हुई है यांगत्से, ये थर्ड लॉन्गेस्ट है और इसकी लंबाई है 6,378 किलोमीटर, ये चाइना में है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, एशिया की पूछा जाए, वर्ल्ड की पूछा जाए तो नाइल, और एशिया की पूछा जाए तो ये है। उसके बाद मिसिसिपी की मेक्सिको की रिवर है ये, और इसकी लेंथ है 5,970 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेजाइट जो है वो किसका ओर है, तो करेक्ट ऑप्शन है मोनेजाइट ओर है थोरियम का, ठीक है, उसके अलावा अगर थोरियम के अलावा आपका सीरियम लिखा होता, लेंथेनम लिखा होता या नियोडाइमियम लिखा होता तो वो करेक्ट होता, ठीक है, थोरियम, सीरियम, लेंथेनम और नियोडाइनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन डिवाइडिंग नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 38th parallel, ठीक है। इसके अलावा 17th parallel जो है ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम को, ये वाली नॉर्थ और साउथ वियतनाम को जो है वो डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्सा मेजर जो है वो स्पेसिफिक नेम है एक कॉन्स्टेलेशन का, उसका इंग्लिश नेम क्या है, तो उर्सा मेजर का इंग्लिश नेम है द ग्रेट बियर, ठीक है, द ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ प्रैक्टिस होती है सबसे ज़्यादा, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्शियन गल्फ रीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रिजर्व्स होते हैं, तो पर्शियन गल्फ रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं क्रूड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, पर्शियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है, तो इसलिए इससे पता चल जाएगा कि क्रूड ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं। नेक्स्ट है स्यूज कैनाल का आपको लेंथ बतानी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है डी, वैसे 193.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है पर अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है तो नियरेस्ट 190 है। अब स्यूज कैनाल जो है वो एक सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, सी लेवल वाटरवे इजिप्ट में है जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरियन और रेड सी को, ठीक है, मेडिटेरियन और रेड सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जब ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड,
फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल. तो मिनरल्स को सॉइल में रिटर्न कराने के लिए सबसे अच्छा फार्मिंग मेथड जो होता है वो होता है क्रॉप रोटेशन. ठीक है, क्रॉप रोटेशन होता है. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के अभी के, और ऐसे ही वीडियोस मैं और भी बहुत जल्द बनाने वाली हूँ. मैं रोज़ ही डालने के लिए ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ अपलोड करूँगी वीडियोस इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे सभी लोगों का रिवीजन हो जाता है पूरा अच्छे से जीएस का. और एक टॉपिक के साथ मैं हर टॉपिक का आपको पता ही है ऑप्शंस भी डिस्कस करती हूँ, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए. और जो वीडियोज़ ऑलरेडी दी हुई हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को.